हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, दुबई का नाम कौन नहीं जानता। एक वक्त था जब दुबई में कुछ भी नहीं था। दुबई की जमीन बंजर थी और सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन आज दुबई एक माना जाना शहर है, और जब अमीर देश शहरों की बातें आती हैं तब दुबई का नाम भी आता है। क्या आप जानते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया और कैसे आया? आखिर महज 50 सालों में दुबई इतना अमीर कैसे समृद्ध शहर बन गई? दुबई की आर्थिक स्थिति इतनी कैसे बदल गई? जानेंगे हम सब ये सारी बातें इस सारी तथ्यों के पेशकश में। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई का विकास हमेशा से नहीं हुआ था। दुबई तब से ग्रो करने लगा जब से वहाँ तेल की खोज हुई, और तेल की खोज 1960 में हुई थी। तब से दुबई की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, और अपनी सही रणनीतियों की वजह से सिर्फ 50 सालों में एक पैसे वाला शहर बन चुका है। दुबई की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 28 लाख है, जिसमें से 51% लोग भारतीय हैं, और भी देशों के लोग यहाँ आकर बसे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग इत्यादि। दोस्तों, दुबई की भाषा की बात करें तो दुबई की मातृभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो अरबिक है। पर जैसा ही बहुत सारे देशों के लोग रहने लगे, अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का यूज करने लगे। बात किसी भी देश की को जाए पर सेफ्टी की बातें हर जगह लागू होती हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम आपको बता दें कि दुबई के पूरे विश्व का सबसे सेफ जगह बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम 0% है, और ऐसा शरिया कानून लागू होने के कारण है। तेल की खदान जब से पता चला, दुबई के लोग सिर्फ इसी में नहीं बल्कि और कामों में उतना ही दिल से काम करने लगे, जैसे कि रियल टेस्ट और टूरिज्म बिजनेस। हाँ, लोगों को ये गलतफहमी जरूर हो जाती है कि दुबई सिर्फ तेलों की वजह से जाना जाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ आप अपने पैसे लगाते हो और वहाँ इनकमिंग टैक्स लगता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि दुबई एक ऐसा ही देश है जहाँ पैसे लगाने पर आयकर टैक्स लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कैसे है, तो बताते चले कि वहाँ टूरिस्ट टैक्स लगता है। जी हाँ, वहाँ टूरिस्ट आते हैं और सरकार उसी पर टैक्स लगाती है। दुबई अपनी इमारत के लिए जानी जाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में ही है। दुबई गर्म देशों में से एक है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ की गर्मी से बचने के लिए लोग अपने इमारतों में एक अलग एयर कंडीशन लगाते हैं। दोस्तों, बात करें दुबई के मॉल के बारे में तो कितने लोग हैं जो सिर्फ शॉपिंग करने दुबई आते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में है। कई सेलिब्रिटीज भी यहाँ अपनी पसंद की चीजें लेने आती हैं। शॉपिंग मॉल में लगभग 12,000 दुकानें भी हैं। उम्मीद है आपसे कि हमारी वीडियो आप देखकर बहुत इंटरटेन हुए होंगे, और दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत जानकारियाँ भी मिली और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो लेके मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।